हाय दोस्तों, रिसेंटली मैंने स्टोरी व्यूज के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए एंड मेरे 45 के फॉलोअर अकाउंट पे जो मुझे एवरेज स्टोरी व्यूज मिलते थे 1500 से लेके 2000, रिसेंटली मैंने उनको ट्रिपल या फोर टाइम्स भी कर दिया। मेरे को मल्टीपल स्टोरीज पे 5000-6000 स्टोरी व्यूज मिले, एक स्टोरी पे तो मुझे 6800 स्टोरी व्यूज भी मिले। इसके लिए दोस्तों मैंने चार ट्रिक्स अप्लाई करी, तो कौन सी थी या चार ट्रिक्स, और इससे दोस्तों जो भी मेरे को स्टोरी व्यूज आए सारे रियल है, सारे ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें बॉट नहीं है, कोई भी फेक स्टोरी व्यूज मैंने नहीं ऐड किए। तो मैंने कौन कौन सी चीजें करी है मैं सारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, अपने इनसाइट्स अपने स्टोरी का एग्जांपल देके मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीजों को सीख के आप इंस्टेंटली अभी के अभी अप्लाई कर सकते हो और इंस्टेंटली रिजल्ट देख सकते हो। ये कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं है, ये एकदम सच्चाई है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, इसको एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों पहली चीज थी रिटेंशन गेम। जैसे कि आप इन स्टोरीज में देख सकते हो, जो चौथी स्टोरी है उसमें मैंने पूछा कि क्या आप लोग फायर इमोजी इसमें ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो। अब दोस्तों जब लोग ये चीज देखते हैं, जब लोग नीचे एक पोल देखते हैं, तो लोग उस स्टोरी पे रुकते हैं, टिकते हैं, उस पर चेक करते हैं कि फायर इमोजी है का, लोग उस स्टोरी पे टाइम देते हैं एंड ये इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है। इस टाइप के मेरे पास 10 एग्जांपल हैं, 10 ऐसी स्टोरीज हैं जो कि आप डायरेक्टली ले सकते हो, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टोरी पे और आप भी स्टोरी व्यूज लूट सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके स्टोरी लिखना पड़ेगा मुझे डीएम में। जैसे ही मुझे डीएम में वर्ड स्टोरी आएगा, मैं समझ जाऊंगा दोस्तों कि आपने ये वीडियो देख के मुझे स्टोरी डीएम किया है। मैं आपसे वो 10 पोस्टर्स शेयर कर दूंगा, उन 10 पोस्टर्स को डायरेक्टली आप सेव करके डायरेक्टली अपनी स्टोरी में डाल सकते हो और उससे आप भी रिटेंशन का गेम खेल के लोगों से स्टोरी व्यूज लूट सकते हो, स्टोरी व्यूज अपने बढ़ा सकते हो। अब आते हैं दोस्तों दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक है दोस्तों पोल्स। पोल्स आप देखोगे कि पहली और चौथी स्टोरी में मैंने यूज किया, तो पोल्स का दोस्तों लॉजिक क्या है? पोल्स को देख के दोस्तों आप बोलोगे कि पंकज भाई ये चीज तो सबको ही बताता है, तो इसमें डिफरेंस क्या? लेकिन दोस्तों डिफरेंस है। जब आप पोल्स यूज करते हो तो दोस्तों यहाँ पे तीन चीजें एक साथ एक्टिवेट होती है। पहली चीज तो ये कि दोस्तों पोल्स एक ऐसी चीज है जिसमें कि लोगों को लो एफर्ट लगता है। लोग जब भी कोई चीज देखते हैं उसमें दो चॉइसेस देखते हैं, यस और नो का, तो उनका रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है और उनको बहुत कम टाइम लगता है, तो वो इजीली रिस्पॉन्स कर देते हैं। प्लस दोस्तों होता क्या है कि लोग आपकी जर्नी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फील करते हैं। जब भी लोग किसी पोल का यस या नो दबाते हैं तो उनको लगता है कि वो आपसे रियली कनेक्टेड है, वो आपकी लाइफ में और आपकी स्टोरी में आपकी जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपैक्ट करता है। और दोस्तों जो तीसरी चीज होती है वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको ज्यादा मतलब नहीं होता पोल करने से, लेकिन फिर भी वो पोल करते हैं क्योंकि उनको परसेंटेज चेक करनी होती है। उनके अंदर बस एक इंक्विजिटिवनेस होती है कि मैं देखूं कि अच्छा एक्चुअल में इस पोल का रिजल्ट क्या है। तो जो लोग वो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो लोग भी पोल का यूज करते हैं। तो दोस्तों पोल जो है वो इन तीन तरीकों से काम करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल की इस वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने स्टोरी व्यूज डबल कैसे कर सकते हो। ये वीडियो इसी वीडियो का अपडेटेड वर्जन है, तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों ये वाली वीडियो जरूर से जरूर देख लेना बिकॉज इसमें हमने स्टोरी व्यूज डबल किए थे। काफी ज्यादा ट्रिक्स इसमें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, तो ये ट्रिक्स भी आपकी हेल्प करेंगी। तीसरी ट्रिक है दोस्तों लीड व्यूअर टू स्टोरी। इसमें जो मैंने आपको स्टोरीज दिखाई, अपना एग्जांपल दिखाया, इसमें आप तीसरी स्टोरी देखोगे तो मैंने क्या किया, मैं रोड इंस्पेक्शन पे गया हुआ था, मैंने डायरेक्टली रोड्स नहीं दिखाई, मैं लोगों को स्टोरी तक ले गया, मैं लोगों को रोड्स तक ले गया। मैंने एक कार से शुरुआत करी, वहां से मैंने जूम आउट किया, अपने कैमरे को धीरे धीरे ले जाके मैं रोड तक ले गया। इसका मतलब है दोस्तों आप अपनी स्टोरीज डायरेक्टली मत अपलोड कर दो। अगर आप अपनी स्टोरीज में रेंज दिखाना चाहते हो, क्लाउड्स दिखाना चाहते हो, तो व्यूअर को वहां तक लेके आओ। आप जब भी स्टोरी लेते हो वर्टिकल फॉर्म में लेते हो, तो वर्टिकल उसे ऐसे मत पैन करो, सपोज आप सनसेट लेने गए हो तो उसको ऐसे मत पैन करो, उसको ग्राउंड से शुरू करो और फिर सनसेट का व्यू ले जाओ। लोगों को स्टोरी को व्यू कराओ, उनको लीड करो स्टोरी पे, डायरेक्टली उनको चीजें एक ही बार में मत रिवील कर दो। बिकॉज जितना टाइम लोग आपकी स्टोरी पे स्पेंड करेंगे उतना एल्गोरिथम आपकी स्टोरी को ऊपर और ऊपर रैंक करता चला जाएगा। अब आते हैं दोस्तों चौथी ट्रिक की तरफ, जो मैंने यहाँ पे यूज करी। चौथी ट्रिक थी अपलोड योर ओरिजिनल कंटेंट। इन चारों स्टोरीज में से कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जो कि मैंने रीशेयर कंटेंट का यूज किया हो या फिर किसी का रीपोस्ट किया हो। ये सारा जो कंटेंट था मेरा ओरिजिनल कंटेंट था और इंस्टाग्राम ओरिजिनल कंटेंट को बहुत बहुत ज्यादा हाई रेट करता है। लेकिन दोस्तों पंगा ये है कि इन चारों ट्रिक्स को यूज करने के लिए आपके पास एक मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए, उसके बाद आप ये चारों ट्रिक्स यूज कर सकते हो। बिना उसके ये चारों ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। फिलहाल के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये चार ट्रिक्स के अलावा भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें से अगली है मीम ट्रिक। मीम ट्रिक दोस्तों क्या होता है, एक बहुत फेमस इंस्टाग्रामर है जोशी, बहुत फेमस लैंडस्केप फोटोग्राफर है। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई इनका वर्कशॉप का लिंक होता है तो इनको भी पता है कि डायरेक्टली वर्कशॉप का लिंक कोई आप डाल दोगे तो उस पर लोग ज्यादा देर रिटेन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि जब भी अपना वर्कशॉप का लिंक डालते हैं उससे पहले 4-5 मीम्स डाल देते हैं। लोगों को मीम्स पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, सबको पसंद है। लोग एक एक करके मीम देखते हैं, एंड तक देखते हैं। तो क्या होता है जब आप 4 मीम्स लगातार बैक टू बैक डाल देते हो, 4 या 5 मीम्स, तो जो आपकी स्टोरी का रिटेंशन टाइम है वो बढ़ जाता है। ऑडियंस आती है आपकी स्टोरी को पूरी देख के जाती है
और क्योंकि स्टोरी का एल्गोरिथम हमेशा इस तरीके से काम करता है कि पिछली स्टोरी के व्यूज अफेक्ट करते हैं आगे वाली स्टोरी के व्यूज पे, तो क्योंकि स्टोरी व्यूज आपके बढ़ते चले आते हैं, तो जब आपका कोई इंपॉर्टेंट लिंक है, कोई वर्कशॉप का लिंक है, कोई आपका यूट्यूब चैनल है, कोई भी है, न्यू पोस्ट भी है, तो भी उस तक काफी ज्यादा ऑडियंस पहुंच जाती है। इसके लिए आप मीम ट्रिक यूज कर सकते हो। एक और इसका एक्सटेंशन है जूम 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 ट्रिक। जूम 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 ट्रिक में दोस्तों आप क्या करते हो, आप एक फोटो लेते हो, ऑडियंस को बोलते हो कि टैप करो जूम के लिए। सपोज आपने एक लीफ की फोटो ली, आपने ऑडियंस को बोला टैप करो जूम के लिए, ऑडियंस ने टैप किया, आपने लीफ का एक क्लोजअप दिखा दिया, फिर ऑडियंस ने एक और बार टैप किया, आपने लीफ का एक और क्लोजअप दिखा दिया, ऑडियंस ने एक और बार टैप किया, आपने लीफ का एक और क्लोजअप दिखा दिया। उसके बाद आपने अपना मेन कंटेंट जो है या जो आप मेन चीज डालने वाले थे, न्यू पोस्ट डालने वाले थे, वो सब चीजें आपने डाल ली। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब इंस्टाग्राम को पता लगता है कि आप हर एक स्टोरी को लास्ट तक देख रहे हो, कोई भी बंदा आपकी स्टोरी को डायरेक्ट स्वाइप नहीं कर दे रहा, सारी स्टोरीज पे टैप करते हुए आगे जा रहा है, तो इंस्टाग्राम को ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है आपकी स्टोरी से और इंस्टाग्राम आपकी स्टोरी को ऊपर तक पहुंचा देता है। सातवीं ट्रिक है दोस्तों अपने स्टोरीज में एफर्ट डालो स्टोरीज बनाने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं इस टाइप की आप स्टोरीज बना सकते हो। इसमें लोगों ने सिंपल इंस्टाग्राम की स्टोरी का बाय डिफॉल्ट चीजें यूज करते हुए अपनी स्टोरी को डिफरेंट वे में प्रोड्यूस किया है। बिकॉज दोस्तों अगर आप ऐसी स्टोरी डालते हो कि जनरली जो कोई नहीं डाल रहा, तो ऑडियंस को ये बहुत न्यू फील होता है, ऑडियंस को बहुत नया सी चीज फील होती है, ऑडियंस उस पर टाइम स्पेंड करती है। इस टाइप की स्टोरीज बनाने के लिए अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं डेफिनेटली इसका ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। अपने मास्टर स्ट्रोक पे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली चीज की ये कि अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, आप वीडियो देखते हो, आपको मजा आता है, तो दोस्तों डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। आपको दोस्तों 2 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मुझे 20 और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों बहुत हेल्प होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको अभी तक की ट्रिक समझ आया, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। दूसरी चीज जो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं अब ट्विटर पे भी आ चुका हूं। जितनी इंस्टाग्राम की रीच गिरती जा रही है, ट्विटर की रीच उठती चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, ट्विटर की ऑर्गेनिक रीच इस टाइम पे आसमान पे है, और मैंने भी वहाँ पे अकाउंट बनाया। अगर आपने नहीं बनाया अकाउंट तो वहाँ भी अकाउंट बना देना, अपने भाई को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ट्विटर की ट्रिक्स दोस्तों ट्विटर पे आएंगी। मे बी वीडियो बने ना बने, बिकॉज ये चैनल इंस्टाग्राम को जा चुका है, लेकिन ट्विटर पे दोस्तों बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। मैं खुद ग्रो कर रहा हूं, आप भी ग्रो कर सकते हो, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। आप ट्विटर पे भी मुझे देख लेना, फॉलो कर लेना। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के मास्टर स्ट्रोक पे। वो चीज जिसके बिना ये सारी ट्रिक्स अधूरी हैं, ये किसी काम की नहीं है, वो दोस्तों ये है कि इन ट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले आपको अपनी स्टोरीज नेचुरली एक्सपायर होने देनी है, क्योंकि स्टोरी का एल्गोरिथम ये कहता है कि आपकी पिछली स्टोरी हमेशा आपके फर्दर स्टोरी को अफेक्ट करती है। तो मेक श्योर इन सारी ट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले आप एल्गोरिथम को रीसेट कर दो। आप कैसे एल्गोरिथम को रीसेट कर सकते हो, स्टोरी के एल्गोरिथम को, स्टोरी व्यूज नेचुरली एक्सपायर होने देना। एक भी स्टोरी आपने डिलीट करी तो पंगा हो जाएगा। स्टोरीज जब आपकी नेचुरली एक्सपायर हो जाएंगी, उसके कुछ घंटों बाद आप ये सारी ट्रिक्स यूज कर सकते हो और ये आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों ये तो होगी ट्रिक स्टोरी व्यूज के बारे में। अगर आप चाहते हो अपना अकाउंट 0 से लेकर 10,000 फॉलोअर्स तक कैसे गेन करोगे, कैसे ग्रो करोगे, तो इसके लिए मैं 3 पार्ट की सीरीज है मेरे चैनल पे। इसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, इनको डेफिनेटली चेक कर लेना, आपकी बहुत हेल्प होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।